देखिए, मैं ये लड़ाई जो है वो किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट में नहीं लड़ रही हूँ। मेरी लड़ाई जो है वो अन्याय के विरोध में है, ताकि पश्चिम बंगाल के लोगों को न्याय मिल सके। और ये लड़ाई का सबूत मैंने पिछले 4 महीनों में आप सबके सामने रखा है। तो अत्याचारिता के खिलाफ ये मेरी लड़ाई है। ये लड़ाई उन लोगों के लिए है, पश्चिम बंगाल के लोगों को बचाने की लड़ाई है। और ये उस एक विशेष व्यक्ति के अगेंस्ट में जरूर है जो चुप रही, जिनके इशारों पर अत्याचार हुए, और जो खामोश रही, उन्होंने आवाज नहीं उठाई, मगर ये भूल गई कि वो जनता जिन पे ये अत्याचार हो रहे हैं वो भी पश्चिम बंगाल की जनता है, और वो मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी की नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल की थी। तो ये इनका दायित्व था कि वो मेक श्योर करें कि कोई वायलेंस ना हो, मगर उसको उन्होंने और बढ़ावा दिया। तो मेरी लड़ाई जो है उस अन्याय के खिलाफ है। मेरा मुद्दा ये रहेगा कि डेमोक्रेसी में लोगों को बचाना जरूरी है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। किसी एक इंसान का यहाँ पर दादागिरी चले, ये पश्चिम बंगाल में हो नहीं सकता, क्योंकि ये लैंड है ठाकुर रविंद्रनाथ का, ये लैंड है विवेकानंद जी का। तो वहाँ पर इंसानियत बची रहे, उसको बचाने की ये लड़ाई है। और मैं समझती हूँ कि भवानीपुर के जो लोग हैं वो एक कॉस्मोपॉलिटन क्राउड है, वहाँ पर पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं वहाँ, जो ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि नंदीग्राम की जनता ने क्या सोच कर उस पार्थी को हराया। तो ये जो लड़ाई है इसमें भवानीपुर के लोगों की भूमिका जो है वो सबसे बड़ी रहेगी। उनको ये समझना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़े हैं, वो जिसने लोगों के घर छुटवाए या वो जिन्होंने लोगों को घर पहुंचाए।